थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता, सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के मनन के लिए हम लोग बाइबल में से निकाल लेंगे वो वचन पाया जाता है लूका उसका 18वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। जब हम उसको पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। आज का जो शीर्षक है, जो आज का टॉपिक है जो मैंने लिया हुआ है, वो ये है कि हु कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, यीशु के स्वर्ग राज में कौन प्रवेश कर सकता है। आज हम इसके बारे में इस बाइबल वर्स से मनन करेंगे और चर्चा करेंगे और कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, जब हमने इसको पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं और इसको डीपली जब हम मनन करें और उसको समझने की कोशिश करें, तो यीशु ने कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु सब बच्चों को अपने पास बुलाता है। आज हम जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, चाहे हम एक दिन के हों या 80 से 90 साल के हों या जितने भी वर्ष के हों, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। और उसका कलाम कहता है बालकों को मेरे पास आने दो, अर्थात यीशु कहते हैं anyone who come to me, जो भी मेरे पास आ सकता है वो आए, लेकिन वो बालकों की नहीं मेरे पास आए। इसका मतलब आज यीशु हमसे चाहता है कि जैसा उसने हमें रचा, अर्थात हर एक वो ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर है, वो एक बालक के रूप में ही आया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि माता के गर्भ से जब वो पैदा हुआ वो सीईओ बनकर आया हो, या कोई मैनेजर बनकर आया हो, या कोई ऐसी पोस्ट लेकर आया हो जो, या कोई ऐसा बिजनेसमैन बन के आया, ऐसा कोई भी नहीं। यीशु ने हम सबों को एक बालकों की नहीं रचा है, और वो हमसे एक्सपेक्ट भी करता है कि जैसा उसने हमें रचा है हम उसी ही कंडीशन में उसके पास आए। हमें मनुष्य के रूप में, जैसा मनुष्य के रूप में जब यीशु ने बनाया, एक बालक की नहीं हमें रचा, हमें उस बालक की नहीं यीशु के पास आना है। यीशु ने हमें कोई दिमागदार व्यक्ति बनाकर नहीं भेजा, उसने हमको एक तरह रचा, वो है बालकों की नाई। जरूर बुद्धि यीशु हमें देता है, ज्ञान यीशु ही हमें देता है, पर वो भी इसीलिए देता है कि हम उसे सही उपयोग करें, सही चीज के लिए उपयोग करें, ना कि गलत चीज के लिए उसको, उस बुद्धि को उपयोग करें और एक दिन ऐसा आए कि हम यीशु को ही चीट करने लग जाए। आप अपनी बुद्धि दिखाकर उसे ही चीजों को बताने लगे, ऐसा नहीं है। पर यीशु हमसे चाहते हैं कि हम बालकों की नहीं उसके सन्मुख आए। उसके वचन में कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो। बालकों का इन द सेंस ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर हर एक वो व्यक्ति की बात हो रही है जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ है। और यीशु इस वचन में यही कह रहा है कि जो भी आए वो मेरे सन्मुख बालकों की नाई आए। आज सुबह के समय में आपको उसके जीवित कलाम से जो बताना चाह रहा हूं कि हम स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, जब हम यीशु के सम्मुख एक बालक की नाई आते हैं, तो हम ऐसे होते हैं कि हम कुछ भी टेंशन में नहीं होते। जब हम उसके सम्मुख आते हैं, उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं, अगर हम एक बालक की नाई उसके सम्मुख आएंगे ना, तो हम कोई टेंशन में नहीं होंगे, हम कुछ प्रॉब्लम में नहीं होते हैं, हम कुछ चीज के बारे में सोचते नहीं रहते। और जब हम कोई चीज को सोचते नहीं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट भी नहीं होता है। जब हम टेंशन फ्री रहते हैं, तो हम प्रभु के सामने और डेडिकेशन के साथ उसके सम्मुख आ सकते हैं, ना ही हम कोई सांसारिक पोस्ट लेकर उसके सम्मुख आए। अगर हम सांसारिक कोई पोस्ट लेकर उसके सामने आते हैं, या हम कोई अपने उस पोस्ट को, उस
प्रोफाइल को उसके सामने लेकर आते हैं, तो हम एक डाइवर्टेड माइंड के साथ उसके सम्मुख आते हैं। हमें ऐसे भी उसके सामने नहीं आना है। यीशु नहीं चाहता है कि आप उस ईगो के साथ उसके सम्मुख आए, वो ईगो को लेकर अपने अंदर ना आए। लेकिन एक बालक की ना यीशु चाहता है सुबह कि हम उसके सम्मुख आए। यीशु कहता है बालकों को मेरे पास आने दो, दैट मींस ना ही आप कोई टेंशन लेकर आए, ना ही कोई आप ऐसी स्थिति में आए, क्योंकि आप एक बालक जब पैदा होता है या एक बच्चा जब पैदा होता है आप ऐसा माने, तो वो हर एक चीजों से परे होता है, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है, कोई भी चीज की परवाह नहीं होती है। अगले दिन, अगले सेकंड, अगले चीज की जरूरत मेरी पूर्ण कहाँ से होगी, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो आप टेंशन फ्री होकर उसके सम्मुख आए। अगर आप कोई अपने उस प्रोफाइल को या पोस्ट को लेकर आते हैं, आप अपना माइंड उस तरफ रखते हैं, आप अपने आप को डाइवर्टेड रखते हैं, पर लेकिन जब आप एक बालक की नहीं उस सिचुएशन में भी अपने आप को लेकर आते हैं, तो आप एक अनडाइवर्टेड माइंड के साथ यीशु के सम्मुख उपस्थित होते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो वचन, आप जैसे अगर उस ईगो को ही लेकर अपने वहां पर उपस्थित होंगे उसके सम्मुख, या आप हर एक ऐसी चीजों से टेंशन टेंशन के साथ वहां पर उपस्थित होंगे, तो आप इस वचन को जो लूक उसके 18 उसके 16वें आयत में लिखा हुआ उसको अपोज करते हैं। पर आज सुबह के समय वचन आपको लूका उसके 18 उसके 16वीं आयत में कहता है कि जब भी आप उसके सन्मुख आए, आप बालकों की नहीं आए, आप किसी भी चीज को लेकर उसके सन्मुख नहीं आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्वर्ग के राज में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। आपको ये छोड़कर अपने आप को बालक की नाई जैसा यीशु ने आपको रचा हुआ है, सेम उसी कंडीशन में वो आपको एक्सपेक्ट भी करता है कि आप उसके सम्मुख रहें। आप अपने इस सांसारिक ज्ञान के द्वारा उसके सम्मुख ना आए, संसार से पाया हुआ ज्ञान आप उसके सम्मुख ना रखें, पर यीशु जो हमें बुद्धि देता है, हम उस बुद्धि के साथ यीशु ने हमें जैसा रचा, हम उस सेम कंडीशन में वो हमें चाहता है कि हम उसके सम्मुख रहें। हम टेंशन फ्री होकर उसके सम्मुख आए, हम अपने सारे आईडीज को, हम अपनी सारी प्रोफाइल्स को एक तरफ रखकर एक मनुष्य के तौर पर जिसने जो उसने हमें रचा, ना ही कोई मैनेजर, ना ही कोई सीईओ, ना ही कोई ऐसी पोस्ट लेकर आए कि हम उसे एक ईगो को दिखाते हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बालक की नहीं उसके सन्मुख को हमेशा और हमेशा उपस्थित हो। जिससे मैंने आपको बताया कि हम टेंशन फ्री होकर, हम उसके एक टेंशन फ्री होकर, एक डेडिकेशन के साथ और एक अनडाइवर्टेड माइंड के साथ हम उसके सन्मुख हमेशा उपस्थित हो सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम सारे लगन से और हर समय हर चीजों को उसकी तरफ ध्यान कर कर हम उसको याद कर सकते हैं। जब हम हर एक सांसारिक चीजों को अपने माइंड में रख कर और उसके सम्मुख जाएंगे ना, तो हम वो प्रेजेंस के साथ उसकी उसको फील नहीं कर पाएंगे यीशु को। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इस तरह बालकों की नाई, जब यहाँ पर लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं लूका उसके 18:16 आयत में, यीशु ने बच्चों के पास बुलाकर कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। यीशु हम हर एक को चाहता है कि उसके पास हम आए। वो हर एक से एक्सपेक्ट करता है कि हर एक व्यक्ति उसके सम्मुख आए। और उसकी जब लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। ऐसो ही का है मतलब कि ये वर्ड बहुत डीप है। अगर आप इसको सोचने की कोशिश करें, अगर इसको समझने की कोशिश करें, बहुत डीप वर्ड है। कई बार मैंने बचपन से जब इस वर्ड को सुना, तो कई लोग उसे ऐसा पढ़ते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, उन्हीं का है और ऐसो ही का है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन्हीं का है मतलब होता है कि सिर्फ बच्चों की बात हो रही है, और ऐसो ही का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति बच्चों की नाई हो। तो इस संदर्भ में आपको आज यही बताना चाह रहा हूं कि हाउ वी कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु
के उस स्वर्ग राज में हम कैसे प्रवेश हो सकते हैं, जब हम उस बालकों की नाई अपने आप को प्रेषित करते हैं, जब हम उस बालकों की नाई अपने आप को उसके सन्मुख लेकर आते हैं, जब हम उस बालकों की नाई बालक ऐसा होता है कि उसे कोई भी चिंता नहीं होती, कोई विफिक्र नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होती है, अगले पल मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, उसे कोई भी चिंता नहीं होती है। इनफैक्ट आप उससे कई बार कोई कोई बच्चों से आप अगर आप बात करेंगे और कोई आप बहुत ही ऐसी बात को करेंगे ना, तो भी वो उसको हंसी में या फिर नॉर्मली लेकर चले जाते हैं कोई ऐसी बातों को भी। प्रभु ऐसा चाहता है कि आप उसके सन्मुख आए, उस डेडिकेशन से आए। प्रभु इस वर्ष से मुझे यही समझ में आया, प्रभु ने जैसा हमें रचा है प्रभु वैसा ही हमें एक्सपेक्ट करता है। हमें सांसारिक ज्ञान के द्वारा, हमारी सांसारिक पोस्ट के द्वारा, ये सब चीजों को लेकर हम उसके सन्मुख ना आए। ये वचन से मुझे यही समझ में आता कि जैसा यीशु ने हमें रचा है हमें वैसा ही रहना है, वैसे ही उसके सन्मुख आना है। और इसलिए उसने वहां पर लिखा है बालकों की नाई ही उसके सन्मुख हमें आना है, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज ऐसो ही का। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपने आप को ऐसा इस कंडीशन में लेकर उसके सन्मुख जाते हैं, तो हम उस जो स्वर्ग राज की कुंजी है, जो स्वर्ग राज की कुंजी है। इनफैक्ट मैंने अभी पिछले समय में एक प्रीच किया था एक जगह पर, वहां पर भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमें वो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें वो बारकोड मिल जाता है। आजकल हम बारकोड की लैंग्वेज बहुत समझते हैं क्योंकि बारकोड से ही सारे काम होते हैं, तो हमें वो बारकोड मिल जाता है। कई कई जगह पर अगर आपने देखा होगा कि हम वो बारकोड्स लेकर जाते हैं, वहाँ पे स्कैनर लगा होता है और हम उससे स्कैन करेंगे तो हम अंदर जा सकते हैं, अगर वो स्कैन नहीं हुआ तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हम उधर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो हमें वो बारकोड मिल जाता है कि हम उस स्वर्ग राज में एंटर हो सकते हैं, जब वहां पर यीशु के वो द्वारपाल खड़े होंगे, और जब आप उस स्वर्ग राज में जाएंगे, जैसे आपका बारकोड ये स्कैन होगा, आपको वहां पर प्रवेश होने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये वही बारकोड और वही की पाने की कुंजी, वही की पाने के लिए ये वचन है, और इसे हम जरूर हमेशा याद रखें कि हमें एक बालक की नाई उसके सम्मुख आना है, हमें बालक की नाई यीशु के सम्मुख आना है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है, परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। आज सुबह के समय मैं इसी वर्ड से आपको एनकरेज करना चाहता हूँ और बूस्टअप करना चाहता हूँ कि हमेशा हम अपने आप को बालक की नाई रखें, और उसके सम्मुख जब भी आए तो बालक की नाई ही आए, क्योंकि स्वर्ग राज में जाने की कुंजी वही है, स्वर्ग राज में जाने का बारकोड वही है, वही स्कैन होगा और हम उसी के बाद वहां से अंदर प्रवेश कर पाएंगे, जहां पर आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा और आनंद ही आनंद होगा। वहां पर कोई भी दुख नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते सुबह के समय में राजा, प्रभु धन्यवाद देते आज के वर्ड के लिए, प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु आपके सुंदर कलाम के लिए राजा, प्रभु जी जो हमें हर दिन हर सुबह प्रभु बूस्टअप करता है, प्रभु जी एनर्जी देता है प्रभु जी, और हमें याद दिलाता है कि प्रभु जी हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। सचमुच में प्रभु जी, प्रभु आप हमें वो मन दीजिए प्रभु जी, वो हृदय दीजिए प्रभु जी, वो सोच दीजिए प्रभु जी, कि हम हमेशा जब भी आपके सम्मुख आए प्रभु जी, उस बालक की नाई प्रभु जी आप हम आपके सम्मुख आने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग का राज जो प्रभु आपने हमारे लिए ठहरा कर रखा है वो प्रभु उन बालकों का ही है, वो ऐसे ही लोगों का है प्रभु। प्रभु धन्यवाद देता प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, जहाँ तक ये वर्ड जाता है प्रभु जी, प्रभु लोगों को इस वर्ड के द्वारा प्रभु जी आप उस वर्ड से प्रभु बात करिए प्रभु जी, ताकि हम इसे समझ कर प्रभु जी अपने लाइफ स्टाइल में वो चेंजेस को लेकर आने पाए प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते सारी बातों के लिए प्रभु जी, हर एक वो निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके सम्मुख रखा गया प्रभु, प्रभु होने दीजिएगा प्रभु, हर एक वो प्रेयर पॉइंट्स प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी एक बड़ी गवाहियों में तब्दील होने वाला हो सके, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ राजा। धन्यवाद देते प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते सारे उपकारों के लिए, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए राजा, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। सभी